अली के अगर हम साथ हैं, हमारे पास वजह है बयान करने की। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ खानकाह बरकातिया के मेंबर से, जो लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के नारे लगाते हैं, मैं आज खुला चैलेंज सैयद सिप्तैन हैदर इब्न सैयद आले रसूल हसनैन मियां अर्ज कर रहा है, तुम अपने मसलक की वजाहत मेरे सामने जो नारे लगा रहे हो आगे कर दो। हमने अगर कहा कि हम अली के साथ हैं, तो अली का साथ होने में हमने अपने घर से भी लेके आया ये बात, हालांकि हम तो अपने घर से लेके आए। तो कहेंगे एक साथ उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने हमारे कुछ करम फरमाओं के मुरीदीन थे, उन्होंने हमारे बारे में पोस्ट लगाई, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं, कहने हुजूर हम तो आपकी बहुत ताजीब करते हैं, आपको हम बहुत बड़ा मानते हैं। अभी मैंने कहा बड़े तो हम हैं, तेरे रोलने से थोड़ी बड़ा हो जाएंगे। ये कोई ताली के तौर पे नहीं बोल रहा था, ये कोई गुरु ने झमट के तौर पे नहीं बोल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले हैं असदुल्लाहिल गालिब। अल्लाह ने जिसको गलबा अता फरमाया है, उस अली का हक, उस अली के हाथ में जो हक था वो हमारे सब में चल के बोलता है, हमारी पुष्ट पनाही करके बोलता है। सुभान अल्लाह, अली के अगर हम साथ हैं, हमारे पास वजह है बयान करने की। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ खानकाह बरकातिया के मेंबर से, जो लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के नारे लगाते हैं, मैं आज खुला चैलेंज सैयद सिप्तैन हैदर इब्न सैयद आले रसूल हसनैन मियां अर्ज कर रहा है, तुम अपने मसलक की वजाहत मेरे सामने जो नारे लगा रहे हो आगे कर दो। खेल के निकल जाता है, कोई सोचता नहीं कि दूसरी पारी में क्या खेला जाए। जी जी जी। अरे मियाँ मजाक बात है, अच्छे मियाँ ने बिठाया है मुझे इस जगह पे, हाँ सही कह रहा हूँ आपसे, वकफा बिल्लाह ही शहीदा, अच्छे मियाँ साहब ने बिठाया है इस जगह पर, और मैं अच्छे मियाँ के सामने बोल रहा हूँ कि अगर जो लोग इस बात का बहुत अपने साथ होने का करते हैं सिर्फ इसलिए कि सिप्तैन हैदर अली के साथ है, अगर सिर्फ इस मुकाबले में आते हो कि हम धना के साथ हैं, हम धना के साथ हैं, अरे मियां जिसके साथ होना है हो लो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी सात पुस्तकें कुरान से, हदीस से और अकवाले मुहद्दिसीन और असलाफ से साबित नहीं कर पाएंगी जिस लफ्ज को तुम तटबुजिया जो झुंझुला बनाते हुए लोगों की खाली देवची में जो तुम गंभीर बात हो जाते हैं। Bop!
واحد ہے۔ مولانا بڑا مہین جملہ بول رہا ہوں، ہم واحد ہیں، ایک کو مانتے ہیں۔ ایک کو مانتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ مہین جملہ ہے، مہین جملہ۔ ہم علی کو مانتے ہیں، ہم علی کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس صدی کا ایک ہی رہبر، اس صدی کا ایک ہی رہبر۔ ہاں علی کو مانتے ہیں، علی جی جی، اللہ تعالی کے صفات میں سے ایک صفت ہے علی۔ شخصیت پرستی نہیں پھیلا، ہم نے الحمدللہ خدا پرستی پھیلائی، اور ہم دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں، جمع ہو جانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا آئیے علی کے یہاں تو آئیے پھیل رہے ہیں، ہم آپ کو کہاں بلا رہے ہیں؟ ہم آپ کو علی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر ایمانداری ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ستیہ نیتر کس کی دعوت دے رہا ہے؟ ستیہ نیتر کہہ رہا ہے میں تو علی کے ساتھ ہوں، ہے نا، میں تو علی کے ساتھ ہوں۔ سپتے ہیں تو صرف اتنا کہا نا، میں تو علی کے ساتھ ہوں، اور پھر پوچھا تم کس کے ساتھ ہو؟ تم کس کے ساتھ ہو؟ سپتے ہیں ایک نہیں پوچھا نا، یہ پوچھنا غضب ہو گیا، یہ پوچھنا غضب ہو گیا۔ الحمدللہ سپتین حیدر اس علی کے ساتھ ہے جو فاتح خیبر ہے، داماد پیغمبر ہے، ابو بکر کا مولا ہے، عمر کا آقا ہے، عثمان کا مولا ہے، سبحان اللہ، ہم اس علی کے ساتھ ہیں۔ علی چھوڑ دو، علی کے بائیں قدم مبارک کی چھوٹی انگلی شریف کے چھوٹے ناخون میں جو گرد ہے اس کے برابر کسی کو دے آؤ یار۔ علی کا مقابلہ، علی کا مقابلہ تو وہی ہوا، یہ تو وہی ہوا کہ کانکڑی پہلوان کہہ رہا ہے، بلبل سے کہہ رہا ہے میں تجھے پچھاڑ دوں گا، وہ کہ ہاں بھائی یہ کوئی مقابلہ ہوا؟ علی سے کسی کا مقابلہ ہوگا؟ بتائیے، جب جب آپ علی کا ذکر کریں تب بھائی یہ راضی ہو گیا، یہ اہل سنت سے پھر گیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، جگر چاہیے بولنے کے لیے کہ میں علی والا، تمہارے پاس جگر نہیں ہے، تمہارے پاس دم نہیں ہے بولنے کا، تمہارے چندے رک جائیں گے، تمہارے ہیرے رک جائیں گے، لوگ تمہیں پہچان جائیں گے کہ تم میرے جاہل ہو۔ اس وجہ سے تم علی کو نہیں پکارتے، کیونکہ علی والا ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، علی والا علم والا ہے، علی والا عالم ہے، اور جو علی کا مخالف ہے وہ ظالم ہے۔ بے شک، یہ اصل میں کہا کرتا ہوں، علی کا مخالف ظالم ہے۔ تو میں یہ، میں اچھا یہ مت سمجھنا میں کسی پہ کہہ رہا ہوں یہ بات، نہیں نہیں، میں بزرگ کب آئے، میں کسی پہ نہیں کہہ رہا، ان جنرل جو زمانے کا ٹرینڈ چل رہا ہے، میں نے دیکھا ابھی ہر جگہ پر 22 رجب کو، ارے بھائی
एक अली का बेटा है जिसका नाम जाफर सादिक है, उसका उम्मत पर एहसान है कि उसने उम्मत को पहली दर्जगाह अता फरमाई, पहली दर्जगाह। तुम अपने आप को हिदायत याफ्ता और पता नहीं क्या क्या कहते हो। चलो हम इमाम जाफर इब्ने सादिक की नियाज करने वाले, उनका जिक्र 22 रजब को मनाने वाले गुमराह हैं। हम लोग सब कुछ है, मत मतलब जो चाहो कह लो, तुम हम सब कुछ है। ये बताओ कि तुम जो इतने बड़े हिदायत याफ्ता हो, अपने एक स्कूल का नाम बता दो जिसका असर हो समाज पर। तुम अपनी एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, मैं बिल्डिंगों की बात नहीं कर रहा। मैं बात नहीं कर रहा, मैं खानकाह वाला हूं। खानकाह का मतलब होता है कुटिया, झोपड़ी, और अहले खानकाह झोपड़ी में बैठकर टूटी फटी चटाई पर बैठकर आज तक राज करते हैं, आज तक राज करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे पीर भाइयों, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जब तुम लोग मार्केट जाते हो, अलग अलग ठेले पे सौदा खरीद रहे जाते हो ना, कौन कौन जाता है? सब जाते हो, बड़ा तरस आ रहा है। अच्छी बात। तो साहब मार्केट जाते हो, अलग अलग ठेले पे जाते हो, प्याज वाले से पूछा कितने की प्याज, बोला 20 रुपए किलो। अच्छा महंगी है, आगे बढ़े कितने की है, 18 रुपए किलो। तुमने कहा हाँ, इससे हमें फायदा है, वो खरीद ली। दुनिया के सौदे में इतनी तकदो करते हो, और दीन के मामले में कोई भी आ गया उसकी बात सुन ली, किसी ने भी कुछ भी कह दिया तुम चले गए। याद रखो, जो अली की बात करेगा वही अपना है। एक अपना मेयार बना लो, एक स्टैंडर्ड बना लो। अली की बात करने वाला हमारा है, और अली के बारे में तावीले निकालने वाला, तो अली का मर्तबा ऐसा है और अली का मकाम यहाँ पर है और अली का नंबर फलाना है, धमाका है। हाँ बिल्कुल सही, समझ लो कि ये वही लोग हैं जो माज अल्लाह, सोचो कुरान और हदीस को इंसान देखता है दलील लेने के लिए, ताकि अपना मजहब और अपना जो मसला है वो मजबूत होता है, उसका सबूत मिल जाए। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि कुरान हदीस को माज अल्लाह खंगाल के देखा जा रहा है कि कहीं से कोई लौट पलट कर कोई दलील बना ली जाए जिससे अली का मर्तबा नीचे कर दिया। ये हो रहा है, माज अल्लाह हो रहा है। रिवायतें गढ़ी जा रही हैं, गढ़ी हुई रिवायतों को बयान किया जा रहा है। हजरत अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, अली का जो जिक्र करता है उसे अपने हलकों में जगा दो। जाओ यहां से वापस, जो जो अली की बात करे, जो तुम्हें अली वालों की बात बताए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, अली ने इल्म का प्रचार किया, तौहीद का प्रचार किया। तो जो इस वजह से हम कहते हैं अली को मानो, हम इसलिए नहीं कहते कि उन्होंने मसला दे दिया कि किस तरह कौन सा नोट जायज है, कागज का या पट्टे का, पता नहीं कौन कौन से नोट जायज है। तो हम वो नोट जायज और नाजायज करने वालों की जो है मानने की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये है मूली टकसाल, यहाँ जन्नती सिक्के धरते रहे हैं, यहाँ खोटे सिक्के की जारी नहीं है, हर एक सिक्का बचता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।